हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई एस पी एस एस अकेडमी। फ्रेंड्स, हमारा एस एस सी सी जी एल जी डी एम टी एस और सी एच एस एल के लिए जो भी जी एस आती है उसका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। खासकर जी डी वाले इसे ज़रूर देखें, ठीक है। उनका एग्ज़ाम 1 महीने में है तो इनके लिए, खासकर उन्हीं के लिए है, तो उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जिसने पहले के वीडियो नहीं देखे वो देखिए, प्ले लिस्ट में अपडेट है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है? कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक, रूरल एरिया में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों, या फिर कोई भी नहीं? तो क्या ग्रामीण एरिया में कैसे पाई जाती है? दोनों तरह की पाई जाती है क्या? मौसमी और अदृश्य दोनों तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे? बुल एंड बियर, स्टॉक एक्सचेंज के, या मार्केट से, फिर बैंकिंग से, विदेशी मुद्रा से, फिर आंतरिक व्यापार से? तो कहाँ से है? स्टॉक मार्केट से, याद रखिएगा। बुल क्या होता है? बुल जो बढ़ रहा होता है। बियर क्या होता है? जो गिर रहा होता, ठीक है, याद रखिएगा। शेयर मार्केट जो शेयर बढ़ रहे हैं वो बुल होते हैं, और जो बियर जो गिर रहे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻¹⁹ डिग्री सेल्सियस, या डिग्री 19 कूलाम, और 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो आप इनमें से देखिए कौन सा सही रहेगा, देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है। तो क्या इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा पहला, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ये आंसर इसके लिए सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का, कोबाल्ट पत्र का, अमोनिया का, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके लिए अम्ल व भस्म किसका किया जाता है? लिटमस पेपर का किया जाता है। किसका? लिटमस पेपर का, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 14वीं सदी का यात्री इब्ने बतूता किस जगह से आया था भारत में? चीन से, तिब्बत से, मोरक्को से, ग्रीस से? तो किस किस कहां से आया था? मोरक्को से। इसे मूर भी कह सकते हैं, मूर देश का निवासी, मूर पहले से कहते थे मोरक्को को मूर, तो इसे मूर भी बोल सकते हैं। और ये किसके शासनकाल में आया था? एमबीटी के शासनकाल में। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी बनाया था, दिल्ली का काजी भी बनाया था दिल्ली का, ठीक है। और इसे चीन में भेजा था अपना राजदूत बनाकर, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और इसकी बुक का नाम है रेहला, इसकी बुक बहुत फेमस है, रेहला, याद रखिएगा, रेहला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण होता है? मतलब हमारे दिन और रात होते हैं, तो इसकी वजह क्या है? घूर्णन है, परिक्रमण है, घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो क्या है? घूर्णन होता क्या? घूर्णन, याद रखिएगा। पौधों का कौन सा भाग जल का संवहन करता है? ठीक है, पत्तियां, फल, फूल, तना, कौन सा करता है? तना करता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? आपने देखा होगा पौधे कुछ नहीं जो, मतलब क्या होता है, किसी दीवार के सहारे चढ़ जाते हैं, किसी खंबे के सहारे चढ़ जाते हैं, कोई तार तो उस पर लिपट के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो कौन से पौधे होते हैं? झाड़ी कहते हैं, आरोही कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, शाक कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उन्हें? आरोही कहते हैं। आरोही मतलब होता है क्रीपर्स, क्या कहते हैं ना? क्रीपर्स, इन्हें क्रीपर्स नहीं, क्लाइंबर्स, क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स, जो चढ़ते हैं ना, क्लाइंबर्स, याद रखिए, क्लाइंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? तो बताइए कौन से पौधे हैं, वृक्ष हैं, शाख है, झाड़ी है, इनमें से कोई नहीं? तो आपने खुद ही जानते हो, ऊंचे ऊंचे क्या चीज़ होते हैं? वृक्षित होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष, क्या झाड़ियाँ होती हैं, क्या शाख होती ना, बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं, इनके तने में, इनके तने कैसे होते हैं? भूरे कलर के होते हैं वृक्षों के। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है, कितनी हो जाती है? देखिए, एक चौथाई अपरिवर्तित तो है कि दोगुनी, चार गुनी?
क्या हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड प्रकार करती है तो क्या होगा, परिणाम शून्य होगा, पिंड गतिशील नहीं होगा, पिंड चलना प्रारंभ कर देगा, ये फिर केवल एक तथा दो सही है। अब जब क्रिया भी सिर्फ लग रही पिंड पे, प्रतिक्रिया भी सिर्फ लग रही, तो दोनों चीज़ें एक लग रही, तो ये ना ये हिल ही नहीं पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, तो इसमें क्या होगा, परिणाम शून्य होगा इसका, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा निम्न में से किसका एक उदाहरण है, मृदा मिट्टी होती है किसका उदाहरण, सामांगी मिश्रण का, अणु का, यौगिक का, विषमांगी मिश्रण का, किसका उदाहरण है, विषमांगी विजातीय मिश्रण, ठीक है याद रखिए, इसे विजाती भी ले सकते हैं, विजातीय। नहीं देखते हैं, एक परमाणु होता है कैसा होता है, पदार्थ का सबसे छोटा ज्ञात कण, एक गैस का सबसे छोटा कण, एक तत्व का सबसे छोटा अभिवाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, या फिर एक आवेशित कण, कैसा, एक आवेशित कण, तो कैसा होता है, तो परमाणु एक तत्व का सबसे छोटा अभिवाज्य कण है जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है, याद रखिएगा ठीक है, यह आंसर सही रहेगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोपोनिक्स, क्या हाइड्रोपोनिक्स का संबंध किससे, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, पानी के बिना पौधों की वृद्धि से, पानी के तकनीक का संरक्षण, इनमें से कोई नहीं, तो किससे, मिट्टी ना हो पौधे में और फिर भी वृद्धि करें, ठीक है ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने भाप का इंजन का आविष्कार किया है, किसका, भाप का इंजन का, तो ये तो आपका आंसर पता होगा, बचपन से आप पढ़ रहे होंगे, क्या आंसर है इसका, जेम्स वॉट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे, जो हमारे दद्दा थे मेजर ध्यानचंद, इन्हें कबड्डी से, हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, तो ये किससे जुड़े थे, हॉकी से जुड़े थे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, हॉकी का जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने NTR आरोग्य रक्षा योजना का आरंभ किया, कौन सी NTR, बिहार, MP, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा, किसने किया, NTR कहाँ, आंध्र प्रदेश में तो ही है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था, किसका, वायरलेस का, मार्कोनी ने, न्यूटन ने, चार्ल्स कैटिंग ने, जॉर्ज कैले ने, किसने किया था, मार्कोनी ने, याद रखिएगा ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सालारगंज, कौन सा सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर, सालारगंज जयपुर में है, पटना में है, लखनऊ में है, हैदराबाद में, ये क्वेश्चन रिपीट है, मैंने पहले करवाया है, जिसने प्लेलिस्ट नहीं देखी देखिए जाकर आप, तो कहाँ पर है, हैदराबाद में, याद रखिएगा, तेलंगाना में। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया था, कौन सा कालिदास सम्मान, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, MP का, छत्तीसगढ़ का, तो किसके द्वारा दिया जाता है, ये MP द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी सरकारी कर्मचारी को कोई कार्यवाही को रोकने के लिए जिसे उसे करने का अधिकार नहीं है, निम्न में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है, मतलब जैसे कि ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो वो कहता है कि कोई सरकारी गवर्नमेंट मतलब ऑफिसर है या कर्मचारी है, तो उससे कहता है कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ये तुम्हारे अधिकार नहीं है, तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, तो कौन सी रिट जारी की जा सकती, देखिए आपके सामने ऑप्शन है, उत्प्रेक्षण, मंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस अधिकार से तुम कर रहे हो, अधिकार प्रक्षा, तुम्हारा अधिकार क्या है ये, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक है, या फिर कोई विकल्प नहीं है, तो जब हमारा संविधान बना था तब ये मौलिक अधिकार था, ठीक है, कौन सा था, 31 अनुच्छेद था, लेकिन फिर इसमें संशोधन हुआ, कौन सा, 44वां संशोधन हुआ, याद रखिएगा 1978 में, तब क्या हुआ, ये कानूनी अधिकार बना देगा, ठीक है, 300 काम डाल देगा, क्या 300 का आर्टिकल, 300 काम, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की सामान्य विशेषता नहीं है, नहीं थी, नगर नियोजन, पकाई ईंटों का उपयोग, सिंचाई की नहरें, सुरक्षित गढ़,
क्या सिंचाई की नहरें नहीं थी वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की, कौन सी रैयतवाड़ी, थॉमस मुंडो, हॉल्ट मैकेंजी, एडमंड बर्क या लॉर्ड डलहौजी। तो किसने की थी, थॉमस मुंडो ने की थी। किसने, थॉमस मुंडो ने। कब की थी, 1820 में, याद रखेगा कहाँ, 1820 में की थी। कहाँ से की थी, मुंबई, मुंबई में की थी और मद्रास में की थी, देखिए मद्रास, या देखिए ठीक है, और असम में, यहाँ पे की थी। कोई भी भाग पूछ सकता है आपसे। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं, कौन से मानचित्र कहते हैं, उच्चावच, राजनीतिक, थीमेटिक या प्रतीकात्मक। तो क्या कहते हैं, उच्चावच। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी गई, सबसे लंबी, याद रखिएगा सबसे लंबी पूछी गई, अमेजन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नील। क्या हो जाएगा, नील। अगर यहाँ पर सबसे लंबी जगह क्या लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है सबसे बड़ी, तो बड़ी जैसे ही आता है यानी कि, तो फिर क्या जाती है, अमेजन। तो यह भी क्या, नील है, ठीक, नील, याद रखिएगा, लंबी। ऑक्सीजन युक्त यानी कि जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, रक्त का संचरण कौन करता है, द्वारा होता है, किसके, फुसफुस शिरा, फुसफुस धमनी, हेपेटिक पोर्टल शिरा या फिर रीनल शिरा। किसके द्वारा होता है, फुसफुस शिरा द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है, कौन सी होती है, सेप्टोमैक्सिलरी, सेप्टोमैक्सिलरी, डेंट्री, फीमर या फिर स्टेपीज। तो कौन सी थी, ये हमारे कानों में होती है, कौन सी, स्टेपीज, याद रखिएगा, सबसे छोटी हड्डी। कोलेस्ट्रॉल का संबंध पूछा गया किससे, कोलेस्ट्रॉल का, वसा से, स्टार्च से, प्रोटीन से, खनिज पदार्थ से। कोलेस्ट्रॉल किससे, वसा संबंधित होता है, ये तो बढ़ जाता है ना, तभी तो वेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम क्या होगा। परिणाम निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर करता, पदार्थ पर, लंबाई पर, मोटाई पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और कल का आंसर क्या है, स्किन कैंसर, जो धूप से होता है। थैंक यू।